और बड़े शर्म की बात है। फिर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनको अपना वक्त खाली कर कर यहाँ बैठना पड़ रहा है और प्रशासन खामोश है। अगर यहाँ पर कोई और ठेकेदारों की अंजुमन यहाँ बैठती, टीचरों की अंजुमन यहाँ बैठती, यहाँ एक्स वाई जेड कोई दूसरे लोग बैठते तो अभी तक कमिश्नर साहब यहाँ पे आ चुके रहते या अपर अधिकारी यहाँ आ चुके रहते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आप अपने हाथ दो, दिव्यांग का साथ दो। आप अपने हाथ दो, दिव्यांग का साथ दो। आज के धरना देने का अहम मकसद ये है कि पीछे 3.5 साल से दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी सर्वे नंबर 21 जूना फारान हॉस्पिटल के पीछे जो हमको जगह दी गई है, कॉरपोरेशन हमारे नाम पे जगह दी है, ठहराव हमारे नाम पे है, उस जगह पे काम करने के लिए 50 लाख का फंड भी दिए और आखिरी में बोल रही है कि जगह देते नहीं आता, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और जगह हमारे नाम पे कब्ज़ा किसी और ने करके रखा है। कॉरपोरेशन इतनी ना अहल बोलना चाहिए और उसकी होल्डिंग नहीं है कि जिस शख्स ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है वो उसको हटा भी नहीं पा रही है। और दूसरी एक बात जो पेंशन के ताल्लुक से है, कॉरपोरेशन हर साल जो फॉर्म भरवाती है उस फॉर्म पे लिखा रहता है कि हम एक दिव्यांग को साल का 12,000 दे रहे हैं, मगर पहली बार 12,000 दी थी, दूसरी बार 9,000 दी, अभी तीसरी और चौथी बार 8,000 दे रही है। तो हर साल ऐसे 1,000 रुपया कम करते जा रही है। तो आने वाले साल में तो हमको बस 1,000-2,000 मिलेगा साल का। जब तुम फॉर्म पे लिख रहे हो कि 12,000 दे रहे तो आपको 12,000 देना चाहिए। जब हम इनसे बात कर रहे हैं कि क्यों 12,000 नहीं दे रहे तो बताते हैं कि बजट बहुत कम है हमारा। और सबसे अहम मकसद आज का बैठने का यही है कि 3.5 साल से हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपके साथ साकार्य कर रहे हैं। आप सिर्फ़ एक लेटर देते हो, कार्रवाई चालू है, हम देंगे देंगे, मगर आज तक जगह दी नहीं गई है। 3.5 साल हो गए। अब हमारी जो संगठन है उसमें बहुत लोग बढ़ रहे हैं, हमारी ऑफिस की जगह होना ही चाहिए, 1500 से ज़ायद लोग हैं, तो काम करने में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, मगर कॉरपोरेशन बोल रही है कि जगह देते नहीं आता। 2022 के GR के माध्यम से बोल रही है कि क्यूरी आ गई है हुकूमत की तरफ से, तुमको जगह देते नहीं आता। तो हमारा स्पष्ट सवाल है कि जो GR आया सिर्फ हमारे लिए आया है कि मालेगांव में तुम जितने लोग को दिए सबके लिए आया है? अगर सबके लिए आया है तो फिर जो लोग को दिए उनसे खाली तो कराओ, कि सिर्फ हम ही को बोल रहे देते नहीं आता। हमारे बाद भी कई लोगों को दी गई है जगह, तो उनसे नहीं बोल रहे हैं कि अब तुम वापस दे दो, GR आ गए, ये सिर्फ हमारे ही साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? इन तमाम मुतालबात को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं और ये धरना बेमुद्दत धरना है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते या कोई ठोस कदम ऐसा नहीं लिया जाता कॉरपोरेशन की जानिब से, तो हम बैठे रहेंगे। सुबह 10 बजे से। हाँ, टाउन प्लानर की जानिब से 2 लोग आए थे एक लेटर लेके, बस उस पर वही लिखा था कि कार्रवाई चालू है, तुम धरना मत करो। हमने उनसे यही सवाल किया, साहब कार्रवाई तो 3.5 साल से चालू है, तुम अभी कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं ये लिख के दो। वहाँ पे जो लोग का कब्ज़ा है कि हम उनको हटाएंगे 1 हफ्ते के अंदर या कुछ दूसरी ऐसी कार्रवाई, उसको लिख के दो तो हम उठेंगे, हम उनको वापस कर दिए। अभी सिर्फ एजाज़ बेग की जानिब से उनका एक मित्र मंडल आया था, ऐसा बोले कि एजाज़ बेग साहब मुंबई में है, वो उनके ईमा पे हम लोग आए हैं। आदिल पठान साहब आए थे, अब्दुल गफ्फार भाई उनके साथ और लोग भी आए थे और समर्थन भी किए हैं, और आदिल पठान साहब अपनी एक अच्छी अंदाज में तकरीर भी की है यहाँ पे। असेंबली का सेशन चालू है, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी पैगाम दिया है कि जो लोगों का भी ये हमारी सोसाइटी में जो जगह मिली है और प्रशासन जिन लोगों के इशारे पे काम कर रहा है, जिन लोगों का वहाँ पे कब्ज़ा हमको पता है, इलेक्शन आने पे हम उनके खिलाफ़ खड़े होंगे। आप बोल रहे हो कि काफ़ी तैदाद हो गई है मजदूरों की, तो अंदर कॉरपोरेशन में जनरल बोर्ड में किसी को पहुँचाएंगे इस ताल्लुक से? अभी हमारी मीटिंग जारी है, अभी उसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से सेक्रेटरी की हैसियत से और तर्जुमान की हैसियत से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दिव्यांग सोसाइटी मालेगांव शहर की मज़दूरों की एक बहुत बड़ी आवाज़ अब बन चुकी है। शहर में कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से मज़दूरों की आवाज़ 100% लोगों तक पहुँचती हो या प्रशासन तक पहुँचती हो। सबसे मौसिर अंदाज में ये सोसाइटी अपना काम कर रही है दिव्यांग लोगों के लिए, और बड़े शर्म की बात और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां देश में इतनी जागरूकता है दिव्यांगों के लिए,
उनकी एक एक बात को सर आंखों पर रखा जा रहा है, सुना जा रहा है, नए नए कानून उनके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन मालेगांव का प्रशासन और यहाँ की लीडरशिप इतनी बेहिस कैसे है कि दिव्यांगों को यह मिलाकर तीसरा चौथा धरना यहाँ पर देना पड़ रहा है और उनकी मकबूजा ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ रही है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक सेहतमंद आदमी और एक हैंडीकैप चैलेंजेस आदमी में कितना फ़र्क होता है, वो कितनी चैलेंजिंग ज़िंदगी अपनी गुजारता है, उसके बावजूद महानगर पालिका के दरवाज़े पर आकर उसको अपना धरना दे रहा है, देना पड़ रहा है। इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, प्रशासन में कमी है, कहीं ना कहीं बंदरबाड़ जारी है। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात की प्रतिबद्ध रही है कि हम लोग हमेशा मज़दूरों की कमज़ोरों की आवाज़ उठाते चले आए हैं। हम लोग इसी हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर हमसे जो कुछ बन सका, सदर साहब हमारे से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ ये बुलाते हैं वहाँ हम पहुँचेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनने में हमें खुशी महसूस होगी। सदर एजाज़ बेग साहब ने हमको यहाँ इसीलिए भेजा है कि उनकी बातें समझी जाए, सुनी जाए और अगर उनकी मंशा रही तो हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये धरना इंतहाई कामयाब होना चाहिए। और बड़े शर्म की बात है, फिर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनको अपना वक्त खाली कर यहाँ बैठना पड़ रहा है और प्रशासन खामोश है। अगर यहाँ पर कोई और ठेकेदारों की अंजुमन यहाँ बैठती, टीचरों की अंजुमन यहाँ बैठती, या XYZ कोई दूसरे लोग बैठते तो अभी तक कमिश्नर साहब यहाँ पे आ चुके रहते या अपर अधिकारी यहाँ आ चुके रहते। लेकिन ये समझा जा रहा है कि इनकी लीडरशिप नहीं है, ऐसा मान के प्रशासन चल रहा है और ये बड़ी गलत फहमी में है। इनकी लीडरशिप बहुत मौसर अंदाज में काम कर रही है, पेपर वर्क का काम करती है, लेकिन इस वक्त महानगर पालिका का निज़ाम ख़राब चल रहा है। प्रशासन राज है, लीडरों की चल नहीं रही है, कारपोरेटरों की चल नहीं रही है, इसलिए प्रशासक शायद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन प्रशासक को समझना चाहिए कि मज़दूरों की आवाज़ है, कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत, थोड़ी सद्भावना दिखाना चाहिए और ये काम पूरा इनका करके देना चाहिए। ऐसी मेरी गुजारिश है।